हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर ऋषभ जैन, सहाचार्य संगीत विभाग वाद्य, राजकीय महारानी सुदर्शना महाविद्यालय बीकानेर से बोल रहा हूँ। आज ऑनलाइन व्याख्यान में आज एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बीए सेकंड ईयर के पेपर फर्स्ट, जो थ्योरी का पेपर फर्स्ट है, उसके विषय में बात करेंगे। देखिए, पेपर फर्स्ट, उसका जो सेकंड यूनिट है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है तालों के विषय में। इससे पहले भी हम ताल रूपक और झपताल के विषय में बात कर चुके हैं, उसका दुगुण चौगुण सहित आपको परिचय दे चुके हैं। तो आज हम जिस ताल की बात करने जा रहे हैं, उस ताल का नाम है आड़ा चौताल या आड़ा चार ताल भी बोलते हैं। तो इसके विषय में हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, ताल का नाम है आड़ा चौताल। इसका एक संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे देता हूँ। यह एक 14 मात्रा की ताल है जिसके 7 विभाग हैं। ताली पहली, तीसरी, सातवीं और ग्यारहवीं मात्रा पर है तथा खाली जो है वो पांचवीं, नौवीं और तेरहवीं मात्रा पर है। एक बार फिर से परिचय देखिए, नोट भी कर सकते हैं आप। यह 14 मात्रा की ताल है, इसके 7 विभाग हैं दो दो मात्राओं के। ताली जो है वो पहली, तीसरी, सातवीं और ग्यारहवीं मात्रा पर है और खाली जो है वो पांचवीं, नौवीं और तेरहवीं मात्रा पर है। अब किस चिन्ह को किस प्रकार से दर्शाया जाता है, ये आपको आपको अवगत करवा दिया गया था। पहली मात्रा पर सम को कैसे शो करते हैं, उसके नीचे क्रॉस का निशान लगाते हैं। जहां दूसरी ताली है उस मात्रा के नीचे दूसरी ताली लिखते हैं। जहां पांचवी ताली है उस मात्रा के नीचे खाली लिखते हैं। सातवीं मात्रा के नीचे तीसरी ताली, इस प्रकार से उसको विभाजित किया गया है। देखिए ठीका, आप देखकर भी आपको आइडिया लग जाएगा और मैं बता देता हूँ। पहली मात्रा पर क्या है, सम अर्थात पहली ताली। तीसरी मात्रा पर है दूसरी ताली। सातवीं मात्रा पर है तीसरी ताली और ग्यारहवीं मात्रा पर है चौथी ताली। ताली को ताली बजाकर दर्शाया जाता है ऐसे। उसके बाद खाली, जहाँ जिस मात्रा पर खाली है, खाली को एक ज़ीरो लिखकर उसको दर्शाया जाता है, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे वीडियो में। पांचवी मात्रा पर ज़ीरो है यानी खाली है, नौवीं मात्रा पर खाली है और तेरहवीं मात्रा पर खाली है। तो अब देखिए, मैं इसका आपको बेसिक ताल जो है, जिसको ठेका बोलते हैं, ठाह भी बोलते हैं इसको, उसको हम बजाकर बताएंगे आपको। 14 मात्रा की ताल, 7 विभाग, दो दो मात्राओं के। देखिए कैसे उसको बजाना होगा। धिन तिर केट, धिन ना तून ना तत ता, तिरकट धिन ना धिन धिन ना धिन। ये क्या हुआ, अपनी बेसिक ताल हुई आड़ा चौताल, जो कि 14 मात्रा की है। 14 मात्रा के एक आवर्तन पूरा करने के पश्चात ताल को समाप्त संपर्क किया जाता है। एक बार फिर से आपको मैं ठेका बजाकर बता रहा हूँ। देखिए, धिन तिरकिट धिन ना तू
ना तत ता तिरकिड धिन ना धिन धिन ना धिन। ये क्या हुआ इसका? ठीका हुआ। अब क्या ये थ्योरी के लिए भी आपके लिए है और प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए भी है? थ्योरी में आपको एग्ज़ाम में इस ताल को लिखना है, जबकि प्रैक्टिकल में आपको हाथ पर बजाकर दिखाना है, उसके जो साइंस हैं वो शो करने हैं। जैसे ताले को ताली बजाकर मैंने बताया, खाले को इस प्रकार से शो करते हैं, जो कि एक वीडियो में और आपको बताया जाएगा, या पहले भी बता चुके हैं खाले को किस प्रकार से हवा में शो किया जाता है, बाकी की मात्राओं को हाथ पर दर्शाया जाता है और ताली बजाई जाती है, इस प्रकार से मात्राओं को पूरा किया जाता है। तो ये हुआ इसका बेसिक, जिसको ठहा बोलते हैं। देखिए एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि ताल आड़ा चौताल जो है उसका ठेका लिखिए और दुगुन लिखिए या चौगुन लिखिए। देखिए दुगुन के बारे में बात करेंगे। दुगुन का अर्थ पहले भी बता चुका हूँ, एक चीज़ को दो बार रिपीट करना, दो बोलों को एक मात्रा में लेना, एक मात्रा में दो बोलों को बोलना दुगुन कहलाता है। जैसे ये 14 मात्रा की ताल है तो आपका पूरा ताल एक बार 7 मात्रा में रिपीट हो जाना चाहिए, दूसरी बार ताल अगली 7 मात्रा में रिपीट हो जानी चाहिए, यानी 14 मात्रा में आपकी ताल दो बार रिपीट होनी चाहिए। यह आपका चेक करने का भी प्रोसेस है। अगर आपकी ताल पूरी 14 मात्रा में दो बार रिपीट नहीं होती है तो इसका मतलब आपने गलत लिखा है और गलत बजाया है। अगर आपकी दो बार रिपीट हो जाती है तो आप सही हैं। देखिए दुगुन की बात करें, लिखने के लिए मैंने बता दिया हर एक मात्रा पर दो बोलों को लिखा जाएगा। अब दुगुन को बजाते कैसे हैं देखिएगा। दुगुन चौगुन कुछ भी बजाना है उससे पहले अपने को सिंगल ठेका देना जरूरी होता है। देखिए सिंगल धिन तिरकिट धिन ना तू ना कत ता तिरकिट धिन ना धिन धिन ना धिन। अब दुगुन के लिए सिंगल से ही आपको जो सम आएगा उससे ही दुगुन स्टार्ट करना है। देखिए दुगुन मैं बजा के बता रहा हूं, सिंगल और डबल। धिन तिरकिट धिन ना तू ना तत ता तिरकिट धिन ना धिन धिन ना धिन तिरकिट धिन ना तू ना कत्ता त्रिकिट धिन ना धी धिन ना धिन त्रिकिट धिन ना तू ना कत्ता त्रिकिट धिन ना धी धिन ना धिन। ये हुआ दुगुन। दुगुन के बाद एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है इसका आप चौगुन भी लिखिए। चौगुन के लिए जैसे दुगुन का प्रोसेस है एक मात्रा में दो बोलों को लिखना, इसी प्रकार चौगुन का भी यही प्रोसेस है, एक मात्रा में आपको चार बार लिखना है, चार बोलों को लिखना है। जैसे धिन तिरकिट धिन ना एक मात्रा में आएगा, तू ना कत्ता दूसरी मात्रा में आएगा, त्रिकिट धिन ना धी तीसरी मात्रा में आएगा, धिन ना 3.5 मात्रा में हो गया, और धिन त्रिकिट आधी मात्रा में, धिन त्रिकिट चौथी मात्रा में, आधी मात्रा ये आ जाएगी, आधी मात्रा में धिन त्रिकिट आ जाएगा। तो इस तरह 3.5-3 मात्राओं में आपका चार बार ये ताल रिपीट होगा, इसी तरह बजाने में और इसी तरह लिखने में। और ताल का क्या प्रोसेस है, जितना आप उसको लिखकर प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी गिरफ्त में आएगी ताल। ऐसा नहीं कि एक बार याद कर लिया, ये याद करने की चीज़ नहीं है। याद करने के बाद उसको आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, लिखकर भी और बजाकर भी, तभी आप ताल में सक्सेस हो पाएंगे।
जैसे अपुन रूपक की बात की थी, उसके बाद ताल झप ताल की बात की थी, आज आड़ा चौताल की बात की हमने। तो आड़ा चौताल की 14 मात्रा की जो ताल बताई, उसको आपने ध्यान से सुना होगा, नोट भी किया होगा, प्रैक्टिकली मैंने डेमोन्स्ट्रेट भी किया उसको, तो आप उसको बार बार प्रैक्टिस करें तो तभी ये ताल आपको गिरफ्त में आएगी, क्योंकि प्रैक्टिकल थियरी दोनों का बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए आप इसको खूब प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट टाइम में एक और ताल लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।